बस इसी वजह से इतने दिनों से ऑफिस नहीं आया और अब तो डैड भी इस ड्रामा का हिस्सा बन गए। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मतलब इतना लेविश लाइफस्टाइल आपका, सब कुछ छोड़ छाड़ के आप ये मतलब ये नौकर बने हुए हैं आप, क्यों? रेहान तुम्हें पता नहीं है, बचपन से देख रहा हूं मैं, डैड ने बस मुझे हीरो बनाने के लिए, मेरी अच्छी जिंदगी के लिए इतनी मेहनत की है, खुद कितनी बार जीरो बने हैं वो। तो उनकी छोटी सी ख्वाहिश पूरी करने के लिए अगर थोड़े अरसे के लिए मैं नौकर बन गया तो क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी अब इस जगह थोड़ा दिल लगने लगा है। अच्छा हैं? और हम कुटे लाइन लग गए। क्या मतलब? मतलब ये कि वो तबानीज नहीं है क्या? तबानीज? हाँ? उनकी बेटी का शादी का एड्रेस हमारे पास आया है। क्या बात कर रहा है? यस यस, उसकी शादी का जोड़ा हम बना रहे हैं। फैंटास्टिक। और कल डिलीवरी है। फैंटास्टिक यार। और आप सोचें, 6-8 किस किस डिजाइनर को छोड़ के हमारे पास आए। जा, यस ना, यस। लेकिन कल वो डिलीवरी कर नहीं सकेंगे। क्यों? क्योंकि मास्टर जी वो ड्रेस आधा छोड़ के भाग गए। मास्टर, तो अब क्या करेंगे? अब ये होगा कि अगर हमने ड्रेस डिलीवर नहीं किया तो सारे ऑर्डर्स कैंसिल होंगे, इज्जत की ऐसी तैसी होगी और सारा काम बैठ जाएगा ठप। सही कह रहे हो, अगर तबानी की बेटी की शादी का जोड़ा नहीं बना सके तो वो अपने बाकी सारे ऑर्डर भी कैंसिल कर देगा। नहीं, तू एक काम कर। क्या? सारा कंसर्न मटेरियल और ड्रेस मुझे लाके दे दे। आज रात कहीं भी किसी भी कोने में बैठ के शौकी अपने हाथों से ये ऑर्डर कंप्लीट करेगा। कौन सा ऑर्डर? सायका मैडम, वो सरा है ना, तो इनको जब चाय पीनी थी तो बस उसी के ऑर्डर की बात कर रहा हूं। आप ऊपर चले, आपकी चाय आपको ऊपर इंतजार करें प्लीज। ओह, चाय ऊपर इंतजार करी सर। आप यहाँ क्या करें? जाकर काम करें। जी मैडम ने क्या कहा है? नौकर जाके काम करो। आप प्लीज रेहान जी आइए ना। जी नहीं, वो मेरे पैर में कुछ चढ़ गया था मैडम, वो ठीक कर रहा था। आप लोग जाइए ना प्लीज। प्लीज इग्नोर। हाँ चलिए। प्लीज संभाल के सब कमरे में ले जाए। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट माई न्यू कलेक्शन। आई कैन सी। प्लीज तो आप बस सारा दिन काम ही काम, एंजॉयमेंट के लिए क्या करते हैं? मैं वही काम करता हूँ जो मैं एंजॉय करता हूँ। डू व्हाट यू एंजॉय, एंजॉय व्हाट यू डू। अच्छी लाइन है, लिख ले काम आएगी। How boring. No extracurricular activity. Hobbies or interest? नहीं. No train? Actually, I'm allergic. What? What do you mean? Are you? No, come. सख्त लॉकडाउन। प्रॉब्लम ये है कि वो आई एम एलर्जिक टू रिलेशनशिप्स। प्रॉब्लम होती है, समझ नहीं आता। थैंक गॉड। आई गेस आपको अभी तक कोई सही लड़की मिली ही नहीं। हाँ, कहाँ है सही लड़की, कहाँ है? इतने देखे आपकी आंखों का नंबर तो सही है ना? Excuse me. They call me Alina. Oh. And you can call me tonight. They call you Alina and you call yourself Alina. Alina, Alina. Never mind. That was just a pickup line. लगता है आप समझे नहीं। समझ गया हूँ मैं बहुत अच्छी तरह से। आप नहीं समझ रही हैं। मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन देने आया था, आपको समझ में आ गई। Let's focus on business. बहुत बिजी हूँ मैं, लग रहा होगा बिजी। तो मुझे सुबह जाके बहुत सारे बिजनेस प्रपोजल्स ईमेल करने, सो आई एम बिजी।
अल्लाह हाफिज। Stay busy as much as you can. Rehan, I guess I like him. Yes, I like him. बकरी ओ भाई शौकी, ओ शौकी लस्सी लिया मलाई मार के यार, किथे शौकी किधर गया? अरे आप लोगों को जिंदगी में कोई और काम नहीं है क्या? हर वक्त देखो तो शौकी चौकी चौकी चौकी, अरे थकते नहीं आप लोग? की होया है भाई, एना एना गुस्सा किस बात का है भाई? मुझे ये पूछे क्या नहीं हुआ है, मतलब जब देखो तो हर किसी को बस शौकी चाहिए, कभी ये ला दो कभी वो ला दो कभी ये कर दो कभी। मैं आपको गाना नहीं सुना रहा हूँ, मैं आपको ना अपनी शिकायत बता रहा हूँ। बस बहुत हो गया, मैं साफ बता रहा हूँ आपको, मेरा ना ऐसे गुजारा होने वाला नहीं, मैं चला जाऊंगा यहाँ से, छोड़ दूंगा ये नौकरी। हाँ गल छोड़, बहुते दिमाग नहीं खराब हो गया तेरा, ते जाना तो चला जा, दफा हो इधर। अच्छा ऐसे दफा नहीं होगा मैं, मेरे दिल में जिसका जो जो राज दफन है ना वो सबके सामने उगल के जाऊंगा मैं। ओ चौकी सोनिया तू तो साडा पुत्र है यार, तू कित्थे चला है, तेरे बगैर ते असी फारग है। चल इधर आ मेरे कोल बैठ, ओ मेरा पुत्र नहीं है तू, बह जा। चल शाबाश, हां हुन दस गल की है? तो ये पूछिए क्या नहीं है प्रॉब्लम मेरा। देखिए मैं ना तंग आ गया, हर किसी ने मुझे पागल बना दिया, हर वक्त बुलाते रहते हैं, और ऊपर से निराली जी इन्होंने तो वो हाथ उठाई भी है कि मुझे लगता है मैं खुदकुशी कर लूं। आहो तो जो लखनऊ का कुलचा है ओदे नखरे भी तू ही उठा रहा है। नहीं हुआ उनकी कोई बात, वो तो मेरे बाप जैसे हैं। मैं कितने क्यों नहीं प्रॉब्लम है, नहीं बड़ी प्रॉब्लम है, और तेरे तो एक बंदा होर पै गया, बोझ पे बोझ आ गया, और की लोड़ पै गई सी यार वो कबर के ढांचे चुके लाने की, ऐसे इस घर की मूरत बनाने की। मैंने आपसे कहा ना आप उनकी बुराइयां करना बंद करें, छोड़ दें उन्हें, छोड़ दें। और क्यों छोड़ दो यार, वो तो वो बाबे बताऊं ने ऐनी अट चुकी हुई है। बस एक लफ्ज और नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि यही आप अमीरों की प्रॉब्लम है, गरीब की तो आप लोग कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं। अरे यहां मैं बैठ के अपना रोना रो रहा हूं और आप मेरे सामने अपना रोना रो रहे हैं। ओ यार मैं तो ये कह रहा है कि उन्हों हानु कराओ हानु। चलो जी पहले की चीज पूरी हो नहीं रही या कुछ नया लेके आ गए, ये क्या होता जी हानु? वो यार बड़ा आसान सा लफ्ज है, 9 2 11 कर जान छुड़ा फारिक करा।